28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन हरकत में है। सीहोर जिले के आष्टा में सरकारी संपत्ति पर लगे प्रचार प्रसार के होर्डिंग बोर्ड लगाने वालों पर आज चुनाव आयोग का डंडा चला। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार अंकिता वाजपेयी और नगर निगम मुख्य अधिकारी KL सुमन नगर पालिका अमले के साथ सरकारी संपत्ति पर लगे होर्डिंग बैनर हटाने पहुंचे। वहीं ग्वालियर में शाम को ग्वालियर पुलिस द्वारा BSF की कंपनी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में ग्वालियर थाना, हजीरा थाना, पढ़ाव थाना क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च हजीरा थाना क्षेत्र के हजीरा चौराहे से शुरू होते हुए शहर के क्षेत्र से संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और जनता को सुरक्षित मतदान के प्रति संदेश दिया गया। गौरतलब है कि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, आष्टा, ग्वालियर।